हाँ कांड हो जाए, रोलिंग एंड एक्शन। पूजा होने से पहले हमारे लोगों के कांड हो गए। डुकली बाबा की जय हो, कृपा बरसेगी। जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे घर में एक बाबा जी आए हुए हैं और वो हम सबको आज उनकी उपस्थिति में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है कांत परिवार में। और हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मटकी फोड़ेंगे और फिर बाबा उसमें कुछ करामात करेंगे। हाँ मैंने भी ऐसा सुना है, क्योंकि अभी तक वो सीन किया नहीं है इसलिए मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि बम है कि क्या है, पर वो ऐसे कुछ हलचल तो होगी और अगर हलचल नहीं होगी तो फिर देखने का मजा क्या है। रजनी को कहाँ लुका दिया गया, छुपा दिया गया? अभी छुपा दिया गया है, मतलब वो अभी शान ने उसको मना किया है इसके सामने आने के लिए और अब बाबा अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, वो पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि किसी तरह रजनी यहाँ पर आए और उसका खुलासा हो जाए। जल्दी जा बच्चे। हाँ वो मेरी बच्ची, मेरी पोती है, छोटी बच्ची। वो जब जन्माष्टमी के दिन रात को जब हांडी फूटती है तो छोटी बच्चों की हांडी फूटती है, तो वो उसने फोड़ी थी। अब ये वो देख के अब ये बड़ी वाली हांडी जो है वो भी फोड़ने की दरखास्त कर रही है। अब देखें क्या होता है आगे। बड़ी हांडी कौन फोड़ेगा? अब ये ट्विस्ट है, ये आपको मैंने इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो हांडी फूटेगी, लेकिन वो कौन फोड़ेगा, क्या वो बम से फूटेगी या कोई हाथ से फोड़ेगा, वो फोड़ने वाला कौन है या कौन होगी, ये तो आके आने वाले एपिसोड में आपको देखने में मजा आएगा। अगर सब बातें मैं अभी बता दूंगा तो आप लोग एपिसोड कैसे देखेंगे? कभी भी डाउट नहीं कराऊंगा। हाँ जो भी है तो सही, हांडी तो है और हांडी तो फूटनी है। बाबा अब कोशिश करेंगे कि उसको, अगर उनको पता लग गया कि ये कहीं एक कोई रोबोट है ऐसी उनको आशंका है, तो कैसे होगा और कैसे वो उसका भंडा फोड़ करेंगे और फिर कैसे उन पर रजनी जो पलटवार करेगी, ये सब देखने में और सच में देखने में आपको बहुत मजा आएगा। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को दही हंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें।